सो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आई एम ऑडिबल विजिबल, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? सो मनीष, अमन, मृत्युंजय, नमस्कार, बहुत आशीर्वाद। ऑडियो वीडियो ठीक है? आवाज प्रॉपर आ रही है? एवी इज फाइन। सुप्रतिम, सौर्य, जल्दी से जुड़े आप लोग। सो गाइस, हम लोग एक बहुत ही ऑसम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, मजे में। फाइन, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। हेलो प्रदीप, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मणिकांत, होप एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। सो हरियप हरियप फास्ट जुड़े हैं। दीपसिका, गुड इवनिंग, हाउ आर यू लेली? माय फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही औसम होने वाला है, आप जानते हो। और हम लोग एनवायरनमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है? ओके, ग्रेट, गुड इवनिंग यू टू। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है, नहीं कर पाए आप, गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी .com/@theRateAjitLive, ताकि आपको मेरी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमन, थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके अमन, गुड इवनिंग यू टू। रिनी, हाउ आर यू? सो गाइस, क्या आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है? t.me/AjitLive, अजीत तिवारी सर एट द रेट जनरल स्टडीज, जी इज स्मॉल, एस इज स्मॉल। आज का जो YouTube सेशन होगा, इस सेशन का PPT PDF आपको मिल जाएगा ऑन वेबसाइट www.ajitlive.in। जितनी मेरी अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, मेरे कंप्लीट कोर्सेस हैं, सब आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। गाइस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनकेडमी पे अवेलेबल हैं, आप इनकी क्लासेस कर सकते हो, ठीक? यस यू कैन, ऑफर हमारे पास है। गाइस, अनकेडमी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर रही है, तो जिनके पास प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं है, 25% डिस्काउंट विद ऑप्शनल इन द कॉम्बो एंड 10% आप यूज करेंगे कोड अजीत लाइफ। तो और जिनकी सब्सक्रिप्शन 1 ईयर की है, प्रीलिम्स 2022 तक उनकी वैलिडिटी होगी, और जिनकी 2 ईयर की है, प्रीलिम्स 2023 तक वैलिडिटी होगी। सो 57,500 इज द न्यू प्राइस, और कोर्ट के बाद फर्दर डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। सो माय फ्रेंड्स, जितने लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ज्योग्राफी। अभी जस्ट मैंने जियो मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया है, आपका मीडियम हिंदी हो इंग्लिश हो, इन बोथ केसेस इट इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चाहो आई एम फाइन, कोई बात नहीं अनुराधा, टेक केयर। सो गाइस, कोड इज अजीत लाइव, 10 कोर्सेस मेरी प्लस पे ऑलरेडी हो चुकी हैं, न्यू बैचेस आने वाली हैं। सी यू ऑल टुमारो, कल सुबह 8 बजे GS3 आंसर राइटिंग कोर्स में, डोंट मिस टुमारो सेशन। गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी जुलाई में लॉन्च हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, वेरी ऑसम कोर्स मैंने प्लान किया है, विथ मेजर फोकस ऑन आंसर राइटिंग। सेम इज द केस विद द ज्योग्राफी ऑप्शनल, प्लस आइकॉनिक आपको कोड अप्लाई करना है। प्री चैंपियनशिप चल रही है, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, अनकेडमी कॉम्बैट, न्यू बैचेस आर कमिंग। सो गाइस, नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स। सो फ्री टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल,
हर संडे 11 एम ऑन एकेडमी कॉम्बैट है, बेहतर आपके लिए। अगर मैं प्लस और आइकॉनिक की बात करूं तो दोनों कोर्सेज में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। आइकॉनिक इज समथिंग बिगर, समथिंग बेटर। आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है अजीत लाइव। अगर किसी को सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल करना है तो भी आपके पास ऑफर है, आफ्टर यूजिंग कोड अजीत लाइव इट विल बिकम 24,750। ओके गाइस, तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आपको जान के अच्छा फील होगा, 100 प्लस कोर्सेज, 100 प्लस बुक्स इसमें कवर्ड है। 100 प्लस बुक्स आर कवर्ड इन दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल। फाइन, व्हाट टू डू, यूज कोड अजीत लाइव फॉर योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो गाइस, ये ऑफर अभी राइट नाउ चल रहा है, आप जानते हो ये ऑफर हमेशा नहीं रहता है। तो अगर किसी के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो, अदरवाइज इसके बाद आपको बढ़ी हुई फी पे ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ZSI ने क्या डिस्कवर किया, फ्लेमिंगो सेंचुरी न्यूज में क्यों है, एंड वाई वर्ल्ड माइग्रेटरी डे इज सेलिब्रेटेड। मैंने आपको गाइस बताया था कि सारे PDFs आपको मेरे वेबसाइट पे ठीक अवेलेबल होंगी। गाइस, गिव मी अ बिग थम्स अप, गिव मी अ जमाजम थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर फिट एंड फाइन। मंडे टू फ्राइडे हम लोग 10:30 PM इस चैनल पे मिलेंगे। सो गाइस, गेट रेडी, आर यू रेडी फॉर इंटरेक्शन, क्या आप इंटरेक्शन के लिए तैयार हो, यस नो। गाइस, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर वन। मैं क्वेश्चंस बहुत पूछूंगा, अगर आप आंसर न कर पाए तो आप परेशान मत होना। व्हाट इज दिस क्रोकीड्यूरा, ये क्रोकीड्यूरा क्या है, व्हाट इज दिस, इस क्रोकीड्यूरा की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर्ड बाय IUCN PSI बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। आप ट्राई करोगे, ऑलवेज ट्राई टू आंसर, गलत हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है। गाइस, भारत के किस स्टेट या यूटी के पास नरकोंडम फॉरेस्ट है, विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया इज हैविंग नरकोंडम फॉरेस्ट। क्या मैमल्स इंसेक्ट्स खाती हैं, क्या मैमल्स आर इंसेक्ट्स ईटर, क्या मैमल्स इंसेक्ट ईटर हैं क्या। ठीक, आपके पास जो आपको समझ में आए। गाइस, अगर मैं आपसे नरकोंडम आइलैंड की बात करूं, तो आप मुझे बताओगे कि नरकोंडम आइलैंड किसकी बनी हुई है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आपके पास ऑप्शन है ओलिविन, पाइरोक्सीन, एंडेसाइट, नन ऑफ द अबव। आप सवालों को सुन के परेशान मत होना, आप क्वेश्चन को सुन के परेशान मत होना। ठीक गाइस, ये अगर आइलैंड की बात करूं तो ये कैसी है, टेक्टोनिक इन ओरिजिन, वॉल्केनिक इन ओरिजिन। जब दो आंसर सही हो तो ज्यादा सही कौन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस आइलैंड को डिक्लेयर किया एज ए एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, बी डॉर्मेंट वॉल्केनो, सी एक्टिव वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट, डॉर्मेंट या एक्टिव, कौन सा वॉल्केनो इसे माना। नरकोंडम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस। सवाल बनता है ये फेमस क्यों है। माय फ्रेंड्स, इन सारे सवालों के जवाब, यू गाइज आर परफॉर्मिंग वेल, वेल डन। मणिकांत, दीपशिखा, मनीष, अमन, राज, अनुराधा, राजेश्वर, ठीक, ऑलवेज आप आंसर करें,
आपका आंसर गलत हो जाए ये कोई चिंता का बात नहीं है, पढ़ने से पहले गलत हो जाए कोई बात नहीं। ऑलवेज यू ट्राई टू आंसर माय डियर फ्रेंड्स, द मोर यू लर्न द मोर यू इंटरेक्ट, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे। आइए देखते हैं आपके कितने सवाल सही हुए। गाइस, किसने खोज की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, हेडक्वार्टर इज एट कोलकाता। इसने ये आपको दिख रहा है क्रोकी ड्यूरा, ये आपको दिख रहा है क्रोकी ड्यूरा नरकोंडेमिका। किसी भी बायोलॉजिकल नाम के दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट बताएगा जीनस के बारे में और दूसरा पार्ट बताएगा स्पीसीज के बारे में। तो क्रोकी ड्यूरा इज जीनस, नरकोंडेमिका इज स्पीसीज। ये है क्या? ऑलमोस्ट जो घर में आपके चूहे दिखते हैं, देखा है ठीक, ऑलमोस्ट साइज ऑफ द हाउस माउस दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स, क्रोकी ड्यूरा नरकोंडेमिका। आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछ रही है ठीक। आखिर ये क्या करेगा गाइस? अगर ये इंसेक्ट खाएगा तो ये करेगा टॉप डाउन कंट्रोल, मतलब ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के डेंस नरकोंडम फॉरेस्ट में इंसेक्ट की पॉपुलेशन को रेगुलेट करेगा, गवर्न करेगा। गाइस, मैंने आपको बार बार समझाया है, बिल्कुल मनीष रिनी, मैंने बार बार आपको समझाया है कि ये जितने मेरे वीडियोस आपको कल वाली क्लास से YouTube पे आएंगी, सबके PPTs PDF अभी मैं आपके सामने टेलीग्राम चैनल में वेबसाइट का लिंक शेयर करूंगा, आपको वहां मिल जाएंगी। गाइस ये देखिए, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे एक ही सवाल पूछ रहा है कि भाई अजीत तिवारी सर आपको इतनी मेहनत के साथ समझा रहे हैं, क्या आपने वीडियो को लाइक और शेयर किया, या इंसेक्ट्स की तरह मैं भी आपको बताऊं? ठीक है मरिनी, मनीष ये सही लग रहा है। लास्ट इंसेक्ट ईटिंग मैमल वाज टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज जेंकिन अंडमान श्रियो 1978 ऑन साउथ अंडमान आइलैंड, है ना, और 422 मैमल स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। तो गाइस क्वेश्चन इज, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ठीक, तो ये आपको जो श्रियो आपको दिख रहा है ये आपसे क्या बात कर रहा है, ये देखो आपको ये बता रहा है कि भाई अनअकैडमी का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप मेरी तरह टाइम वेस्ट ना करो और यही आपको कोड अप्लाई करना है अजीत लाइव, बिकॉज यही है आपका कोड ऑफ सक्सेस। ये आपको बता रहा है कि इस पूरे PPTs आपको www.ajeetlive.in पे मिल जाएंगे, और आपसे बता रहा बहुत हो गया, अब ध्यान से इधर देखो, ये एक ओशनिक आइलैंड है वॉल्केनिक ओरिजिन का। गाइस टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट ही तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वॉल्केनिज्म, ठीक, कहां पे 240 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान आइलैंड इन द अंडमान सी। क्या आप मैप में पोर्ट ब्लेयर को लोकेट कर पा रहे हो, है ना? आइए इस बात को और समझते हैं। ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड, ये एक स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड है नॉर्दर्न अंडमान सी में लोकेटेड है, एंड गाइस इट इज फॉर्म्ड ऑफ एंडेसाइट, ये एंडेसाइट की बनी है। अगर किसी वॉल्केनो का फ्रिक्वेंट, ध्यान समझना कंसेप्ट, अगर ये प्लेट और ये प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट दोनों की कोलिजन हुई, ओशनिक प्लेट सबडक्ट हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, मैग्मा की फॉर्मेशन हुई,
अगर प्लेट की मूवमेंट फास्टर रेट से हो रही है तो मैग्मा की एक्युमुलेशन फास्टर होगी और ये मैग्मा ऊपर के क्रस्ट पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा एंड इट विल कम आउट, तो होगी एक्टिव वॉल्केनिज्म। कई बार ऐसा होगा कि वॉल्केनो इज स्लीपिंग, वॉल्केनो इज डॉर्मेंट। व्हाई? द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, जिस रेट से ओशनिक क्रस्ट कंज्यूम हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, दैट रेट इज वेरी वेरी स्लो। तो मैग्मा के एक्युमुलेशन में टाइम लग रहा है और वॉल्केनो डॉर्मेंट है, स्लीपिंग है। एंड गाइस, दिस डॉर्मेंट वॉल्केनो इज मोस्ट डेंजरस। कब ये जग जाए और यहां रहने वाले लोग सो जाए, ठीक, ये बड़ा सवालिया निशान है। इट इज क्लासिफाइड एज डॉर्मेंट वॉल्केनो बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आइए गाइस, हम इस बात को और समझते हैं। नरकोंडम आइलैंड वॉल्केनिक माउंटेन 710 मीटर्स इज द सेकेंड टॉलेस्ट पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार। फर्स्ट कौन? सैडल पीक नॉर्थ अंडमान आइलैंड। ये आपको अंडमान निकोबार आइलैंड, ये आपको नरकोंडम दिख रहा है। पैरन इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। ये भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज बैरन। आइए गाइस, इन बातों को और समझते हैं। नरकोंडम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोटिफाइड एज प्रोटेक्टेड रिजर्व बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड मॉनिटर द नरकोंडम हॉर्नबिल। ठीक, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं गाइस। मैंने आपसे अपनी प्री स्पेशल क्लासेस में जो बायोलॉजी सीरीज मैंने लिया था, आपसे मैंने पूछा था वेयर इज सीसीएमबी, सीसीएमबी कहाँ है, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। ये वापस मई के फर्स्ट वीक में वापस चर्चा में था। क्या ये चेन्नई में है, क्या ये हैदराबाद में है, क्या ये दिल्ली में है, क्या ये पुणे में है, वेयर इज सीसीएमबी, है ना? आजकल वेस्टर्न हुलॉक जिबॉन न्यूज में है गाइस। सबसे पहले वेस्टर्न हुलॉक जिबॉन की खोज किसने की? ए ऑस्ट्रेलियंस, बी अफ्रीकन्स, सी एशियंस, डी अमेरिकन्स। आखिर ये वेस्टर्न हुलॉक जिबॉन क्या है? वेस्टर्न हुलॉक जिबॉन ये एप की वैरायटी है, ये गोरिल्ला की वैरायटी है, ये ऑरेंग उटान की वैरायटी है। नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई सा नहीं है। क्या इस स्पीसीज के मेल और फीमेल दिखने में अलग अलग हैं? अगर मेल और फीमेल दिखने में अलग होंगे तो आप उसे बोलोगे डाइमॉर्फिक। मेल और फीमेल के दो तरह के फॉर्म हैं, डाइमॉर्फिक। क्या ये डाइमॉर्फिक है या ये डाइमॉर्फिक नहीं है? गाइस, वेस्टर्न हुलॉक जिबॉन, जरा आप स्क्रीन पर देखें। रिसेंट स्टडी बाय सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सीसीएमबी कहाँ पे है? इट इज हैदराबाद, ये हैदराबाद पे है। ओनली वेस्टर्न हुलॉक जिबॉन इज फाउंड इन इंडिया। अमेरिकन ने सबसे पहले खोज की, अमेरिकन नेचुरलिस्ट आर हैरलन डिस्क्राइब द हुलॉक जिबॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1834। ठीक है, ईस्टर्न हुलॉक जिबॉन एंड वेस्टर्न हुलॉक जिबॉन आर टू सब स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, ओनली एप स्पीसीज इन इंडिया। एक स्पीसीज के कई सारी सब स्पीसीज होती हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो होमो सेपियन रेस की कई सारी स्पीसीज की कई सारी रेसेस पॉसिबल है, वैसे ही इन इस एट स्पीसीज के दो सब स्पीसीज प्रजाति भारत में मौजूद है। ये आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि
क्या आप मेरे बारे में ध्यान से पढ़ रहे? गाइस, क्या ये जीबॉन भारत के अलावा भारत के आसपास के देशों में भी मौजूद है? क्या भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में भी ये मौजूद है? ठीक, इसका IUCN स्टेटस क्या है? आपके पास ऑप्शन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। क्या है इसका IUCN स्टेटस? साइट्स में इसका स्टेटस क्या है? WPA के कौन से शेड्यूल में है? और आजकल ये परेशान क्यों है? ये आपसे यही बता रहा है कि यार इतना पढ़ते हो, देन व्हाई यू गाइस आर ऑफरिंग थ्रेट टू अस। गाइस ध्यान सुनना, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई इतने अजीत सर आपको बायोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप हमारे हैबिटेट एनक्रोचमेंट क्यों करते हो? आप हमारे हैबिटेट को फॉरेस्ट की क्लियरेंस क्यों करते हो? कई बार चाय बगान के नाम पे, कई बार झूम कल्टीवेशन स्लैश बर्न कल्टीवेशन के नाम पे, कई बार आप हमारी हंटिंग करते हो फूड के लिए, मेडिसिन के लिए। भाई ऐसा क्यों? व्हाई यू गाइस आर डूइंग फॉरेस्ट डिग्रेडेशन? इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ रहा है, जो कि एक नॉक्टर्नल रात्रिचर प्राइमेट है फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। गाइस ये देखो आप, ये आपको मेल दिख रहा है, फीमेल दिख रहा है, दिख रही है, सॉरी मेल दिख रहा है, फीमेल दिख रही है, साफ साफ आप मेल और फीमेल को देखकर पता लगा पा रहे हो कि ये दोनों दिखने में अलग हैं। मतलब इनके पास मौजूद है डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म मौजूद है। ठीक, अब बॉय सोच रहा है, मेल सोच रहा है कि भाई ये फीमेल्स इतनी फेयर कैसे हो गई? ये बोल रहा है कि अगर आपको मालूम चले तो भाई मुझे भी व्हाट्सअप कर दियो, हम भी कई पीढ़ियों से परेशान हैं। गाइस ये देखिए, अच्छा तुम पता लगाओगे मेरे बारे में? हम बिल्कुल राज मालूम नहीं होने देंगे, ये फीमेल बता रही है। द वेस्टर्न लोग जीवन इज अ प्राइवेट फॉर्म ऑफ प्राइमेट फ्रॉम जीबॉन फैमिली। तो गाइस है ना, स्पीसीज कहां मिलेंगी? बिल्कुल गाइस, सुंदरता मन की आंखों में है, आपके आंखों में है। मुझे तो यहां दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं, जो भी नेचर में बायोडायवर्सिटी है, प्लांट है, एनिमल है, वो मुझे बड़े लगते हैं खूबसूरत। असम, मिजोरम, मेघालय इन इंडिया, और अगर भारत से बाहर की बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार, वेस्ट ऑफ छिंदविन रिवर। अगर लेस देन गाइस 500 इंडिविजुअल्स हैं, है ना, लेस देन 500 इंडिविजुअल्स हैं, तो आप इसकी कैटेगरी पता लगा रहे हो। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, ये ध्यान से देखो आप, IUCN इसका एंडेंजर्ड है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अमन बिल्कुल नहीं, आप दिल पे ना लें, कई बार मैं हंसी मजाक के फॉर्म में मेल के साथ कई बार बेमेल की बात कर जाऊं, तो अगर मेल के साथ बेमेल की बात हो जाए तो ध्यान रखें मैं भी मेल ही हूं, है ना। सो न्यूमरस थ्रेट्स जो वाइल्ड में है गाइस, इस कदर हमने इनके घर को नुकसान पहुंचाया है ना, कि अब ये ह्यूमन के एक्शन, हमारी एक्टिविटीज तय करेंगी इनकी सर्वाइवल, कि हम किस कदर इनका हैबिटेट एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। आप जानते हो हमने कई बार आपसे चर्चा की है, रिवाइज करा दूं, हैबिटेट लॉस
is the main cause responsible for loss of biodiversity. आप जानते हो 1/10 loss हो जाए तो 1/2 loss of biodiversity. कई बार आप चाय बगान के चक्कर में टी कल्टीवेशन, सोचिए आपकी हमारी चाय पर चर्चा हो रही है, उसके पीछे कितनों की बायोडायवर्सिटी लॉस. झूम कल्टीवेशन / बर्न कल्टीवेशन, हंटिंग फॉर फूड, मेडिसिन, ट्रेड, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ऑल दिस एक्टिविटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. अगर ये एक्सट्रीम होंगी तो सर्वाइवल थ्रेटन होंगी. ठीक, हुलंगा पार जीबन सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड रीजन एंड इज होम टू इंडियाज ओनली एप स्पीसीज. हुलोक जीबन आर ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट, रात्रिचर. नॉक्टर्नल, जो रात्र में सक्रिय हो उसे आप बोलते हो नॉक्टर्नल. गाइस इतनी बात हम समझ पा रहे हैं, यस और नो? गाइस अगर फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा पीडीएफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, यू विल गेट द लिंक्स. अभी मैं आपको लाइव सेशन में लिंक शेयर कर दूंगा. गाइस आजकल ये खूब चर्चा में है, ये क्या है फ्लेमिंगो? व्हाट इज दिस फ्लेमिंगो? एनी आइडिया? आखिर ESZ वापस चर्चा में आ गया. ध्यान सुनना, फ्लेमिंगो क्या है? क्या आपने TCFS थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी ऐसा कुछ नाम सुना है? थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी. ठीक, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? गाइस ये अगर मैं बात करूं तो दिस सेंचुरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों भाई? आपको थाने के क्रिक में जो विच इज एन इनलेट ऑफ द अरेबियन सी, ये जो क्रिक है ये क्या है? इट इज इनलेट ऑफ अरेबियन सी. फाइन, ओके राजीव. इन मुंबई है ना युवराज बेटा, लक्षण तो वैसे हो और तहजीब तो वैसे हो, है ना युवराज शर्मा? तुम्हारे लक्षण और तहजीब तो वैसे हो बेटा, जहां पहुंचने की बात कर रहे हो. तो आइए इस पे कुछ खास पॉइंट्स की बात करें. ये क्यों इको सेंसिटिव जोन आप डिक्लेयर कर रहे हो और इको सेंसिटिव जोन में कौन कौन सी एक्टिविटी है ना, कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउड हैं और कौन कौन सी रेस्ट्रिक्टेड हैं? आखिर कौन सी एक्ट के तहत आप इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करोगे, है ना गाइस? आइए हम इस बात को और ध्यान से सुने और ध्यान से समझें. गाइस जो सबसे बड़ी विडंबना इस YouTube नामक चीज की है ना, कौन सी चीज है भाई? ठीक, कि यहां लोग नॉन सिंसियर ज्यादा चले आते हैं और सेशन को डिस्टर्ब करते हैं. ठीक, चलो इस बात को और समझते हैं. चलो आगे समझो, ये देखो आप, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी को
एज इको सेंसिटिव जोन। क्लियर। आइए जरा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी। फाइन। इस नोटिफिकेशन के तहत जितनी हाईली पॉल्यूटिंग माइनिंग एक्टिविटीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, वो प्रोहिबिट होंगी। इको सेंसिटिव जोन एक बफर जोन की तरफ बिहेव करेगा इस सेंचुरी के चारों तरफ, है ना। इको टूरिज्म अलाउड है, एक बैलेंस बनाते हुए, एक बैलेंस बनाते हुए कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स रिजॉर्ट्स आर अलाउड, ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रो फॉरेस्ट्री एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट इज टू बी प्रोमोटेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, मतलब आप हैबिटेट को इस कदर फ्रेगमेंटेशन ना करें कि वो लाइफ के लिए थ्रेट हो जाए। ये देखिए गाइस, थाने फ्लेमिंगो सेंचुरी की बात हो रही है, कितना खूबसूरत आपके लिए ए के एस है। आगे बढ़े, कहां पे, अक्रॉस मुंबई सब अर्बन एरिया एंड थाने डिस्ट्रिक्ट सेंचुरी डिक्लेयर कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड गाइस, जो बर्ड वॉचर्स हैं, फॉर देम इट इज अ पैराडाइज। सो इट इज अ पैराडाइज फॉर द बर्ड्स वॉचर। फाइन। वेस्टर्न बैंक ऑफ थाने क्रिक विच इज एन इनलेट ऑफ अरेबियन सी। हैव अ लुक गाइस, इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस मुंबई सब अर्बन एंड थाने डिस्ट्रिक्ट। थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी की बात हो रही है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इट इज अ बर्ड वॉचर्स पैराडाइज। वेस्टर्न बैंक ऑफ थाने क्रिक विच इज एन इनलेट ऑफ द अरेबियन सी। बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी, शॉर्ट में आप इसे मैं TCFS बोलूंगा, थाने टी क्रिक सी फ्लेमिंगो एफ सेंचुरी एस, TCFS। इट इज होम टू 12 ट्रू मैंग्रोव स्पीसीज। ओ माई गॉड, 39 मैंग्रोव स्पीसीज। आपको मैंने बता रखा है मैंग्रोव कोई सिंगल जेनेटिक ग्रुप नहीं है, मैंग्रोव इज कलेक्टिव टर्म गिवन टू ग्रुप ऑफ वेजिटेशन दैट कंसिस्ट ऑफ हर्ब श्रब ट्री सर्वाइव अंडर फिजिकली हार्श कंडीशन। आपको बर्ड्स दिख रही हैं 167 स्पीसीज इंक्लूडिंग फ्लेमिंगोस, फिश स्पीसीज, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, मैमल्स, जैकल्स। दैट मींस सेंचुरी इज, TCFS इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अगर जैव विविधता का धनी है तो इसका संरक्षण अनिवार्य है, इसका कंजर्वेशन अनिवार्य है। ठीक। इट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द माइग्रेटरी फ्लेमिंगोस दैट फ्लाई एवरी ईयर इन स्प्रिंग टू द सेंचुरी। तो जो पक्षी को देखना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनके लिए ये एक पूरा पैराडाइज है। सवाल बनता है कि भाई इको सेंसिटिव जोन क्या है। ये देखिए आप, फ्रेजाइल एरिया दैट एग्जिस्ट विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उद्देश्य क्या है, टू क्रिएट अ काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर बफर जोन
ताकि वो शॉक को, झटकों को बर्दाश्त करे और नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नुकसान कम से कम हो या तो न हो। कौन करेगा डिक्लेयर? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन से एक्ट के तहत? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन इस एक्ट में कहीं भी इको सेंसिटिव जोन जैसा टर्म मेंशन नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे संविधान के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से आपने इन्फ्रेंस ली है एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। लेकिन कहीं भी आर्टिकल 21 में एनजीटी मेंशन नहीं है। बफर जोन मींस राहुल, प्रदीप बर्ड वाचर मींस जिनको पक्षी देखना पसंद हो। ठीक, अरे गाइस मुस्कुराते हुए और जरा पक्षियों की बात करें, आई आप भी जरा पक्षियों को देखें। ठीक, क्वेश्चन इज, हाल ही में मनाया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। क्वेश्चन इज, कौन सा डेट? फॉर ऑल डेट्स आर ऑफ मे, फर्स्ट में, सेवेंथ में, एट्थ में, फोर्टींथ में। आखिर वर्ल्ड माइग्रेटरी डे क्यों, क्यों आप मना रहे हो? ठीक, इसी को आप बोलते हो इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे, इसी को बोलते हो इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे। फाइन, क्वेश्चन इज आखिर क्यों, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड? अभी मैं कुछ आपको इमेज दिखाऊंगा, आप पहचानना, आपको बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। ठीक, आखिर हु एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जो कि, ध्यान सुना, जो कि हेल्ड ऑन सेकेंड वीकेंड ऑफ मे एवरी ईयर, सेकेंड वीकेंड ऑफ मे एवरी ईयर। आइए जरा इससे संबंधित कुछ खास तथ्यों पे प्रकाश डालते हैं वन बाय वन। ये देखिए गाइस, खूबसूरत बर्ड्स आपको दिख रही हैं। हमने सेकेंड सैटरडे ऑफ मे को मनाना है, इस बार एट्थ मे था। डेट यूपीएससी नहीं पूछती है, लॉजिक मैंने इसलिए पूछा आपको याद हो जाए कि ये सेकेंड सैटरडे का डेट आगे पीछे हो सकता है। इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे इज कंजर्वेशन इनिशिएटिव दैट ब्रिंग अवेयरनेस ऑन कंजर्विंग माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट। याद रहेगा, बिल्कुल, हम ग्लोबली अवेयरनेस फैला पाए, हम कंजर्वेशन की बात कर पाए। ये देखिए गाइस, क्या आप इन पक्षियों को पहचान पा रहे हो? क्या बचपन की याद कुछ ताजा हो रही है? ये खूबसूरत नन्ही मुन्नी गौरैया जो आजकल आपको कम दिखती हैं। इन 2006 यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश वर्ल्ड माइग्रेटरी डे टू बी हेल्ड ऑन सेकेंड वीकेंड ऑफ मे एवरी ईयर। है ना गाइस, तो अ बिग थम्स अप फॉर दिस लवली स्पैरोस। इवेंट वॉज फाउंडेड एज एन एफर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ African Eurasian Migratory Water Birds to raise awareness of migratory linkages between regions of the globe. And guys, तो इस इवेंट का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन इज, आखिर इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इट इज ऑर्गेनाइज बाई CMS। CMS को ही आप बोलते हो बॉन कन्वेंशन। क्या बोलते हो? बॉर्न कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक, CMS और AEWA,
AEWA, African Eurasian Water Bird Agreement, AEWA, African Eurasian Water Bird Agreement. आइए इन बातों को और देखते हैं. World Migratory Day is organized by CMS Convention on Migratory Species, also called as Bonn Convention, and AEWA. ठीक, CMS and AEWA are two international wildlife treaties administered by UNEP. ठीक, इस बात को आपको रिकॉल करना है. आप जरा इन पक्षियों को देखें, इन पक्षियों को देखें गाइस. अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए इस समय एक्साइटिंग ऑफर चल रहा है. आपको अजीत लाइव कोड यूज करना है फॉर 10% डिस्काउंट, मोर इंपॉर्टेंट मेंटरिंग गाइडेंस. आप मेरे 15 वर्ष के अनुभव का फायदा उठा सकते हो. ये सारी पीपीटीज जो मैंने क्लास से ली आज की, ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे. लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा आपके सामने ही. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. रोज 10:30 पे हम लोग मिलेंगे. आप अपना फीडबैक देते रहें, इंट्रैक्शन करते रहें. दिस इज द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल अजीत तिवारी सर @ G इज स्मॉल, S इज स्मॉल. इसी में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है www.ajeetlive.in का. वहां आपको पूरे वीकली करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट GS का मिलेगा. आप उसे पढ़ सकते हो और PDF को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो. आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं. ओके गाइस, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर. और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया है. लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें. लेट्स क्रैक इट, लेट्स मेक इट वायरल. बाय बाय, थैंक यू.